प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए आरोग्य सेतु ऐप सहारा बना हुआ है और कोरोना से बचाव के लिए नई टेक्नोलॉजी भी अहम भूमिका निभा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए हमीरपुर में भी लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से ऐप पर स्वास्थ्य जानकारी का लाभ भी लोग ले रहे हैं। वहीं लोग भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद दूसरे लोगों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। महिला संदेश का कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही जरूरी है और हम इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ इस ऐप का प्रयोग करने के लिए बाकी लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि खांसी, बुखार, जुकाम इत्यादि लक्षणों की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से मिलती है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना बीमारी को दूर करने के लिए और हम भी इस ऐप का प्रयोग करते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस ऐप में खांसी, जुकाम के लक्षण और भी जानकारी भी मिलती रहती है और ये कोरोना के खतरे की जानकारी मिलती रहती है। वहीं युक्ति नेहा ने बताया कि पीएम मोदी के द्वारा 2 अप्रैल को इस ऐप को लॉन्च किया गया था और 3 अप्रैल को ही हमने अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से कोरोना के खतरों की जानकारी मिलती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को 2 अप्रैल को लॉन्च किया था। हमने इस ऐप को 3 तारीख को डाउनलोड कर लिया था। इस आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा हमें हर प्रकार की जानकारी जैसे खांसी, बुखार आदि के लक्षणों की जानकारी भी मिलती रहती है और यह कोरोना के खतरों की जानकारी भी मिलती रहती है। हम इस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरों को इसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं ताकि कोई भी इस बीमारी से संक्रमित ना हो। स्थानीय निवासी रजनीश का कहना है कि मैं स्वयं भी आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग कर कोरोना से बचाव कर रहा हूं और दूसरों को भी ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना बीमारी से बचना है तो ऐप को डाउनलोड करना होगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी इस ऐप का यूज़ कर रहा हूँ औरों को भी इस ऐप को यूज़ करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। सभी भारतीय नागरिक इस ऐप का प्रयोग करें, ये हमें कोरोना से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें खांसी, जुखाम, बुखार आदि के लक्षणों को इस ऐप के जरिए हमें जानकारी मिलती है। मैं खुद इस ऐप को यूज़ करता हूँ औरों को भी, गांव वासियों को मैं इस ऐप को यूज़ करने के लिए और देशवासियों को भी प्रेरित करता हूँ। इस ऐप से हमें कोरोना के खतरे की जानकारी मिलती है और हमें हरे और पीले रंग के कोड से आपकी सुरक्षा की जानकारी भी मिलती है। कोविड-19 की हेल्थ की जानकारी भी, कोविड-19 के हेल्थ सेंटर की जानकारी भी इसमें मिलती है। मैं चाहता हूं कि सभी गांववासी, मेरे पंचायतवासी, जिलावासी, प्रदेशवासी और देशवासियों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस ऐप को डाउनलोड करें औरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। ग्रामीण त्रिलोक का कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग वह कर रहे हैं और इससे कोरोना बीमारी से बचने के लिए पूरी सहायता मिल रही है। सेतु ऐप जो है वो कोरोना बीमारी के लिए हमें संकेत देती है, तो इसलिए हमने इसको लोड किया है अपने मोबाइल पे ऐप और हम बाकी लोगों को भी इसके बारे में सचेत कर रहे हैं कि आप भी आरोग्य सेतु ऐप जो। गौरतलब है कि 2 अप्रैल से शुरू हुए आरोग्य सेतु ऐप को करोड़ों लोगों ने अब तक डाउनलोड कर लिया है और हमीरपुर जैसे साक्षर जिला में भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके। साथ ही ऐप का हिंदी भाषा में भी होने से कम पढ़े लिखे लोग भी इसका प्रयोग आसानी से कर रहे हैं।